हाउ टू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को कैसे करें, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी YouTube पर कि अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते समय बंद लगाएं या कुंभक लगाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीका अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बताऊंगा कि हमारे ग्रंथ कैसे कह रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए। तो आएंगे अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप कमर गर्दन सीधा नहीं रख पाते हैं तो वॉल का सपोर्ट लें, उससे कमर को सीधा करें। और अगर ऐसे आप एक लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो किसी पिलो या ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठें, जो कमर को सीधा रखने में सहायता प्रदान करेगा। अब ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों को आप नी पर रखें, इस प्रकार स्ट्रेट ना रखें, बेंड करके रखें, जिससे कि चेस्ट को जगह मिले खुलने के लिए। और फिर इस प्रकार बैठें, सीधे हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं, थंब से राइट नोस्टल को पुश करें और लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को पुश करें और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल करें, राइट को पुश करें और लेफ्ट से एक्सहेल। ये होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम में ब्रीदिंग की जो टाइमिंग है, जितना आप लेने में समय लगा रहे हैं, 10 सेकंड जैसे आप लेने में समय लगा रहे हैं, तो 10 सेकंड ही आप अल्टरनेटिव नोस्टल से छोड़ने में समय लगाएंगे। सेम ही खिंचाव होगा, सेम ही प्रेशर होगा और सेम ही टाइम होगा। तो इस प्रकार करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अनुलोम विलोम प्राणायाम में किसी भी प्रकार का बंद या होल्ड, मतलब कुंभक नहीं लगाया जाता है। राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, बस आपको लेने की और छोड़ने की टाइमिंग को सेम रखना है, तभी वह अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। अगर आप बंद का प्रयोग करते हैं तो वह अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है, वो फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बिगनर्स के लिए सबसे अच्छा है, प्राणायाम की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है, मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है। इस प्राणायाम को करने से माइंड शार्प हो जाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि थकान की समस्या, शरीर टूटने की समस्या दूर हो जाती है। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था।